के और रूहान के कपड़े सिलकर आ चुकी हूँ किचन में शाम का खाना बनाने। सारा कुछ उस्मान ने रेडी करके रख लिया है। अभी मैं आलू के पराठे बनाने के लिए आलू का बैटर बना रही हूँ। कैसे बना रही हूँ बताती हूँ अभी, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि आप अपनी चीज़ों की रेसिपी बताएं, तो सोचा क्यों ना शुरुआत आज से कर देते हैं। तो कुछ नहीं, सिंपली आलूओं को बॉईल कर लिया है और ऑमलेट कट मैंने प्याज कट करवा ली है उस्मान से और बारीक बारीक हरी मिर्च कट कर ली उस्मान ने और गाजर भी ग्रेट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं हल्का हल्का फ्राई करके डालती हूँ। ये मेरी स्टाइल में है क्योंकि मेरी अम्मी ऐसी बनाती थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑयल में सौंफ डाल रही हूँ और उसके तुरंत बाद ही प्याज ऐड कर दूंगी। बहुत टेस्टी बनते हैं, इस तरह से बनाते हैं, बहुत लाजवाब लगते हैं। तो अपनी भी थी तो सारी चीज़ें मैंने बना ली लगभग लगभग, जो भी अपनी ने बोली थी कि भाभी ये बनाना आपके हाथ का, ये खाना है, ये खाना है। बाजी आई थी तो बाजी ने बोल दिया था कि ये खाना है, ये खाना है, तो बाजी को भी खिला दिया और अपनी ने बोला था उसको भी खिला दिया। लास्ट आलू के पराठे रह गए थे तो मैंने सोचा इन्हें कहाँ छोड़ दें, इन्हें भी बना ही लेते हैं। तो बस अभी मैं पराठे बनाने आ रही हूँ और सारे सूट कंप्लीट हो गए हैं। बस रूहान के दो कुर्ते हैं जो मुझे कल सिलना है, कल या फिर आज अगर खाने के बाद मुझे टाइम मिला तो खाने के बाद सिलूंगी, वरना फिर मैं कल सिलूंगी। और कल मार्केट भी जाना है मुझे और अपने को, कुछ थोड़े बहुत काम रह गए हैं, सोना वाली ने कुछ काम बताए हैं अपनी को दो करने के लिए। तो बस कुछ नहीं, हल्के से हमें प्याज को इसमें फ्राई कर लेना है और फिर इसमें हरी मिर्च ऐड कर देना है। तो वैसे मैंने अपने आलू के पराठों की रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। पर उसमें मैंने पनीर ऐड किया है और ये मैं सिंपल बना रही हूँ बिना पनीर वाले। तो बस इसमें अदरक हरी मिर्च दोनों मैंने ऐड कर दी हैं। तो बस अभी यहाँ पर हरी मिर्च अदरक इसे मैं फ्राई करूँगी और इसमें नमक नहीं डालेंगे हम। अगर इसमें हम नमक डालते हैं ना तो फिर हमारे आलू का बैटर जो है ना वो गीला गीला सा हो जाता है और उसकी वजह से आलू के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, फट जाते हैं, बेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए नमक ऐड नहीं करना, नमक हम जब बैटर ठंडा हो जाएगा तब ऐड करेंगे। तो अभी इसमें कुछ मसाले डालती हूँ मैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल मामूली सा, बस उसी टाइम पर हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं गरम मसाला, गरम 4 टीस्पून डाल देंगे यहाँ पर मैंने, ये बहुत छोटा वाला टीस्पून है तो 4 डाल दिए मैंने। और अभी इसमें मैं 1 टीस्पून करीब चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं। और गाइस साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे चाट मसाला जो कि बहुत अच्छा टेस्ट लाता है आलू के पराठों में। तो बस मसालों को अच्छे से हमने प्याज के साथ मिक्स कर दिया है, बहुत सिंपल रेसिपी है। और आलू को मैश करेंगे, डो जो हमें लगाना है ना तो डो को हमें थोड़ा सा टाइट रखना है, पतला नहीं रखना है। डो में थोड़ा सा टाइट रखती हूँ इसलिए क्योंकि जब हम पराठों को बेलते हैं ना तो वो फटते नहीं है, बहुत इजीली बिल जाते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती हमें आलू का पराठा बनाने में। अभी ये जो मैंने मसाला रेडी किया है वो सारा बस आलू में ऐड कर दूंगी और इसको रखूंगी ठंडा होने के लिए, जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और धनिया पत्ती ऐड करेंगे। बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत सिंपल रेसिपी है। देखिए कितनी जल्दी से बन गए ना आलू के पराठे। फिर कुछ नहीं, आलूओं को जो ठंडा हो जाए ना उसके बाद ये सारा मिक्स करने के बाद, ठंडा होने के बाद हम पराठों में फिल करेंगे और बेलेंगे, बना लेंगे, वो तो आता ही है आपको। बस मैं कैसे बनाती हूँ ये जानना था आपको, तो आज मैंने बता दिया। मैं जब सिलाई करती हूँ ना तो हमारी उज्मा किचन में बहुत अच्छे से मेरी हेल्प करती हैं। अभी मैं ये बैटर बना कर रख दूंगी, थोड़ा सा रेस्ट लूंगी क्योंकि मेरी कमर में बहुत ही दर्द होने लगा है। इस बीच हमारी उज्मा लगाएंगी आटा और फिर हम दोनों बहनें मिलकर सबको खिलाएंगे और चटनी की तैयारी कर लूंगी मैं, तो वो चटनी की भी बताऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है वो चटनी भी हमारी। बस आपसे बात करते करते आलू मैश हो गए हैं, बनाते हैं फटाफट से। ये हमारा जो मसाला रेडी किया था ना वो मसाला मैं आलू में ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करके इसे ठंडा होने रख दूंगी। देखें पास से दिखाती हूँ, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, वो सोचिए खाने में कितना टेस्टी होगा। तो बस इसमें धनिया भी ऐड कर देती हूँ फ्रेश कट करके, और धनिया मैं तुरंत ही कट करके डालती हूँ, पहले से कट करके नहीं रखती हूँ क्योंकि उसकी जो फ्रेश खुशबू है ना वो निकल जाती है। तो बस अब ये डन हो गया है, नमक ऐड करना बाकी है, नमक ऐड करना मत भूलिएगा वरना अच्छी नहीं बनेंगे फिर। नमक की तो मेन हीरो है सारी चीज़ों का, हमारे सारे खाने का मेन हीरो नमक होता है क्योंकि नमक के बिना सारे टेस्ट अधूरे लगते हैं। तो बस अभी इसे रखते हैं हम ठंडा होने के लिए। सॉरी गाइस मैं आपको चटनी की रेसिपी बताना भूल गई, मैं जल्दबाजी में थी तो मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ डाल दिया लेकिन लास्ट टाइम मुझे याद आ गया। तो चटनी कोई अलग से नहीं है, जो सबके यहाँ नॉर्मली सबके यहाँ जो बनती है वही वाली चटनी है। तो मैंने 4-5 टमाटर लिए हैं, 4-5 हरी मिर्च ली हैं और 4-5 लहसुन की कलियाँ हैं,
थोड़ा सा धनिया है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स है और आधा टीस्पून जीरा है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग है। बस ये लिया है और कुछ नहीं, इन्हें सिंपली ग्राइंड करूँगी, पानी नहीं डालूंगी इसमें क्योंकि टमाटर में बहुत पानी होता है। तो इन्हें हल्का हल्का सा ग्राइंड करते हुए मैं इसे पीस लूँगी, जैसे ये दरदरी सी रहे, बिल्कुल एकदम फाइन नहीं करना है इसे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, तो इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है। तो बस ऐसे मैं बना रही हूँ, भूल गई थी इसलिए सॉरी इसके लिए। और अभी जनाब आ गए हैं तो वो ले आए हैं गन्ने का जूस, तो सबके लिए गन्ने का जूस देते हैं पहले, चटनी बना कर रख देंगे फ्रिज में और गन्ने का जूस निकालेंगे, तब तक हमारी उसमें आटा लगा लेंगे, फिर हम बनाना शुरू कर देंगे। निकल गया गन्ने का जूस। ये देखो गाइस अदीवा ने कैसे बैठाल रखा है जेरी को, जैद के बॉकर पे बिठाल कर घुमा रही है अदीवा। वो भाग गई। जाने दो। और ये देखें गाइस, ये वाली ड्रेस मैंने अदीवा की बनाई है, अदीवा दिखाओ, ये वाली ड्रेस मैंने अदीवा की सिली है, अनारकली ड्रेस, फिर से बिठा लिया। अरे वाह जेरी। गाइस हमारी चटनी भी रेडी हो गई है, हमारा बैटर भी रेडी है, इसमें नमक भी मैंने ऐड कर लिया है और उसमें आटा लगा दिया, देखें कितना बढ़िया आटा लगाती है हमारी उसमें, और हमारा तवा भी रेडी है। तो बस पराठे सेकना शुरू करते हैं। बस छोटी सी रोटी बेल ली है और उस पे आलू का बैटर रखेंगे हम, करनी है और फिर हल्के हाथों से इसे बेलना है। तो बस अभी हमारा तवा भी रेडी हो गया है। तो ये देखिए हमारा सिंपल और इजी तरीका पराठे को दबा दबा के सेकने का, बहुत अच्छा क्रिस्पी हो जाता है ऐसे दबाने से पराठा। ये मेरा नया आइडिया निकाला है, नया लॉन्च हुआ है ये। क्यों सो? हाँ, नए नए आइडिया निकालती रहती हूँ। तो ये जो हमारी होममेड चटनी है जो ज़्यादातर सभी के घरों में बनती है, बहुत लाजवाब लगती है, ये भी निकाल दी, अब देते हैं अदीवा को। ये लो अदीवा। तो गाइस कितनी सिंपल रेसिपी है ना मेरे पराठों की। नहीं बेटा मैं नहीं खाऊंगी अभी बनाते भी नहीं खाती मम्मी। तो देखा गाइस अदीवा हम लोगों से कितना प्यार करती है। अदीवा मुझे पराठा टेस्ट कराने के लिए आई थी, खिलाने के लिए, ऐसी हमें सारी चीजें खिलाती रहती है, बहुत प्यारी बच्ची है अदीवा। देखा आप लोगों ने कितनी सिंपल और कितनी इजी रेसिपी है ना, एक बार ट्राई करिएगा आप लोग, बहुत टेस्टी लगते हैं जिस तरह से मैंने बनाए हैं। जैद भाई हमारा नहा धोकर रेडी हो गया, और जैद के ये वही वाले कपड़े जो हम मार्केट से लेकर आए थे जैद के लिए, और अभी हमारा जैद पहनेगा अपने प्रोडक्टर। पहना जैद कैसे लगोगे, पहनकर दिखाओ सबको व्यूअर्स को। अरे वाह कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। और फिर कब आओगी अदीवा मामी के पास? एक साल बाद। इतने दिन बाद आओगी, पूरा एक साल लगाओगी आने में। अरे मेरी लाडो, अब मेरा शहजादा नीचे चलेगा तो मेरी शहजादी के घुटनों में नहीं लगेगी। ऊंचा गूगल ले मम्मा पे, इधर देखाओ जैद, जैद, जैद। अरे मेरा बेटा। तो गाइस ये रही अप्पी की सिल्वर की शॉपिंग जो अप्पी ने यहाँ से की है, तो अप्पी दिखा रही है, फिर अप्पी पैक कर लेंगी। तो मैंने कहा अप्पी एक बार दिखा दो सारे व्यूअर्स को, आके लिया है अप्पी ने, तो वही अप्पी दिखा रही है। अप्पी ने एक जोड़ बिछी लिए थे अपने लिए, और एक ये वाले लिए थे डेली वेयर के लिए, सिंपल से बिल्कुल छोटे छोटे, जो कि अप्पी के पैरों में बहुत अच्छे लगते हैं। अप्पी के प्यारे प्यारे छोटे छोटे से पैर हैं, छोटी छोटी उंगलियां हैं, तो अच्छे लगते हैं। और ये अप्पी की पायल हैं, ये भी अप्पी ने डेली वेयर के लिए लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और ये वाले बिछिए तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिए थे जब हमने खरीदे थे उसी टाइम पर, कि अप्पी ने सोनाबाजी के लिए लिए हैं अगर आपको याद हो तो। तो ये देखें एक बार और फिर से दिखा देते हैं, तो ये वाले बिछिए हैं, हाँ ये वाले। और ये देखें हमारे जैद बाबू ये खड़े हुए हैं, ये पकड़ के खड़े हुए हैं, आजकल ये पकड़ के खड़े होने लग गए। तो बस ये सामान अप्पी का है, और अभी उज़्मा का और अपना भी दिखाती हूँ मैं। तो ये है उज़्मा की पायल जो कि हमारे इमरान भाई ने मंगवाई है उज़्मा के लिए, उज़्मा के बर्थडे के लिए, बहुत प्यारी लग रही हैं। उज़्मा की भी अप्पी से मैच होती हुई हैं थोड़ी थोड़ी, दिखाओ उज़्मा, थोड़ी थोड़ी अप्पी की पायल से मैच हो रही हैं उज़्मा की, देखो डार्क ग्रीन और पिंक कलर के नग लगे हुए हैं। और उज़्मा ने और गोल्ड में क्या लिया था वो भी दिखाते हैं, उज़्मा दिखाओ। ये उज़्मा की नोज पिन, ये देखें ये नोज पिन है उज़्मा की गोल्ड की। और जो हम लेने गए थे ना कान के इयररिंग, तो इयररिंग ना लेते हुए हमने ये गले का ले लिया था, तो उज़्मा बोलने लगी कि बाजी इयररिंग तो मेरे पास 3 जोड़ हैं, तो इयररिंग का चेंज करते हैं मूड और ले लेते हैं गले के लिए डेली वेयर के लिए।
तो उज़मा को ये गले के लिए ये पैंडल वाला चाहिए था, छोटे छोटे पैंडल वाला। दादा हमने बोला था कि गले के लिए कुछ दिखाओ डेली वेयर के लिए, तो उन्होंने ये दिखाया तो ये बहुत पसंद आया उज़मा को। तो उज़मा कहने लगी बाजी ये ले लेती हूँ, इससे गला भी भरा भरा लगेगा और अच्छा भी लगेगा। तो उस दिन उज़मा ने फिर ये लिया था, जो मैं बोल रही थी ना आपसे अपने पिछले व्लॉग में कि लेने क्या आए थे और क्या ले लिया है, तो वो ये था। तो गोल्ड की उज़मा ने दो चीज़ ली है, एक नोज़ पिन और एक ही गले के लिए, और पायल ली है, फिलहाल ये लिया था। और कमेंट करके बताइएगा पायल और गले का कैसा लगा। और मैं अभी मैं अपने लिए जो लेकर आई थी वो भी दिखाती हूँ। मैंने भी अपने लिए पायल ली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अप्पी और उज़मा की पायल फीकी लग रही है मेरी पायल के आगे, तो वो भी दिखाती हूँ। मेरी पायल जिसे उज़मा ओपन कर रही हैं, ये देखें मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। और जिस दिन हम ये लेकर आए थे तो मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी, मेरी पायल इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। मैं बार बार पहनकर भी देख रही थी और उज़मा को भी पहनकर दिखा रही थी, अभी जी को भी दिखाई मैंने, सबको बहुत पसंद आई, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये देखें डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, दिखाओ उज़मा। ये देखें कितना प्यारा डिज़ाइन है, पिंक कलर के जो स्टोन लगे ना ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये है मेरी पायल, बताइएगा तीनों में सबसे ज़्यादा प्यारी पायल किसकी है, और उज़मा का गले का कैसा लगा ये भी बताइएगा। और मैंने बिछिए भी लिए थे लेकिन बिछिए मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ, जब भी मुझे हाथ आएंगे ना मुझे मिल जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो बिछिए पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिली नहीं तो वो मैं बाद में दिखा दूंगी, फिलहाल ये है मेरी पायल। ये देखिए पापा पापा देखें पापा पापा बोल रहा है, बोलने लग गया है। जैद जैद भैया बड़ी मम्मा कब बोलोगे, बड़ी मम्मा। ये देखें मैंने रेड कलर का धागा पहनाया हमारे जैद को, कल पहनाया है। देखो पापा पापा आप तो साफ बोल रहा है पापा।